अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोग का? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत हो? दोस्तों मैं आपको आज प्रॉपर्टी के हवाले से बताऊंगा जो मेरा वादा हुआ, वादा मैंने किया था आप लोगों से कि आप लोगों को मैं प्रॉपर्टी के हवाले से बताऊंगा कि प्रॉपर्टी के क्यों बिल्कुल प्रॉपर्टी गिर गया, क्या वजह है इसका। तो लोगों ने लिया ज़मीन महंगा और वो तो प्रॉफिट करके अपने बेचेंगे ना, ठीक है ना, मगर जो लेने वाले हैं वो सस्ते ले रहे हैं क्योंकि रेट है ही नहीं, रेट है ही नहीं, बिल्कुल कोई ख़रीदने वाला है नहीं। मिसाल अभी किसी ने 100 रुपये का चीज़ लिया, वो लाजमी 110, 105, 120 का बेचेगा ना, मगर जो ख़रीदने वाला है वो उसको 80 रुपये का ऑफ़र देते हैं। 80 रुपये का तो उसको नुकसान है, फ़ायदा तो नहीं है उनको ना, इसीलिए ये अपना सस्ते बेचते नहीं है, ये प्रॉफिट में है, इसीलिए इस लोग का मुज़ाकरात नहीं हो रहा, इस वजह से इसीलिए तो रेट वैसे भी गिर गए, कारोबार नहीं है, प्रॉपर्टी का तो सब कुछ ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो इस हवाले से मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी का क्वेटे में बिल्कुल हाल नहीं है। पहले तो प्रॉपर्टी आसमान छू रहे थे, फुट तकरीबन स्पिनी का एरिया मैं आपको बताऊं यहाँ तक 35-30 हज़ार फुट चल रहा था, अभी तो 16 हज़ार भी कोई लेने नहीं। जिसने फुट लिया था 25 हज़ार का या 20 हज़ार का, अभी कोई है नहीं, अभी रेट गिर गए, अभी रेट भी तो जिसने लिया अभी उसी गिर, जो लेने वाला है वो तो रेट देखेगा ना कि अभी आजकल कौन सा रेट चल रहा है, आजकल 16 हज़ार चल रहा है या 18 हज़ार चल रहा है, तो उसी रेट का बताएगा ना। जो मालिक ने लिया था 25 के लिए था, वो तो 16-18 को तो नहीं देगा, वो नुकसान तो नहीं करेगा, उसी तरह पड़ा हुआ है, इसीलिए अभी तक प्रॉपर्टी बिल्कुल डाउन हो गया इसी वजह से। ठीक दोस्तों, ये प्रॉपर्टी का तो आप लोग को नया कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आप लोग के लिए नया वीडियो बनाऊँगा, आप लोग का इन्फॉर्मेशन बढ़ाऊँगा। ठीक दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें तो मेरे नए वीडियो आप तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच जिसने कमेंट किया, जिसने सब्सक्राइब किया, उम्मीद है और दोस्त भी हमारे सब्सक्राइब करेंगे।